देवास जिले के कन्नौज में अनूठी पहल, मान धनिया परिवार ने परिजनों की स्मृति में सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन मशीन की भेंट। क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा के हाथों भेंट कराई मशीन। कोरोना मरीजों के इलाज में मिलेगी मदद। प्रदेश भर में ऑक्सीजन को लेकर मची हुई है किल्लत। देवास जिले की हरंगा पुलिस को मिली सफलता। नाबालिग लड़की को बहला फुसला के भगा कर ले जाने वाले आरोपियों को भेजा जेल। आरोपी राजेश को भेजा गया जेल। परिजनों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुना जिला के आरोन में बाल गऊ सेवा संगठन पिछले 9 साल से गायों का कर रहे निःशुल्क इलाज। बीमार और असहाय गायों का इलाज बच्चों द्वारा किया जाता है। दवाई के लिए दानदाता करते हैं मदद। गायों की गंभीर बीमारियों का किया जाता ऑपरेशन। कोरोना को लेकर शिवपुरी जिला प्रशासन अलर्ट। खनिया थाना क्षेत्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर, पंचायत भवनों में बने क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। शिवपुरी जिले की टीम के साथ खनिया थाना जनपद पंचायत के सीईओ गोडशिया रहे मौजूद। मरीजों के लिए खाने पानी और इलाज की व्यवस्था करने का आदेश। इंदौर के अस्पतालों में लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के चलते एक और जहां अस्पतालों में कालाबाजारी अपने चरम पर पहुंच रही है, वहीं अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए विधानसभा एक के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ओर से लोगों को चाय पानी बिस्किट की व्यवस्था करने की बात कही। इंदौर के द्वारकापुर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें महिला ने अपने पति पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। फिलहाल द्वारकापुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर में लगातार जनता कर्फ्यू का प्रशासन द्वारा आम जनता से पालन कराया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आजम नगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज करते नजर आए, जिसे पुलिस ने तत्काल सील कर दिया। साथ ही मौके से ही 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बैतूल जिले में कोरोना के प्रति ग्रामीण जागरूक। ग्राम पंचायत देहगुड़ में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। गांव में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर, बाहर से आने वाले लोगों पर रखी जा रही नजर। ग्राम पंचायत देहगुड़ में 18 कोरोना मरीज है, सभी का होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट सख्त। कहा अगर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में सैनिटाइजर पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में खलबली मच गई। वहीं पुलिस का कहना है कि इन सभी लोगों ने शराब न मिलने की वजह से सैनिटाइजर पी लिया था। हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।